प्रेरणा आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में क्राइम पर पुलिस प्रशासन का अंकुश नहीं है। सरकार को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बस सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बिहार का क्राइम ग्राफ जो है शून्य है। इस तरीके का बात हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ये बयान दिया है सुशील कुमार मोदी ने। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा आरोप बिहार सरकार पर लगाया है, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ पर भी सवाल खड़े किए हैं और साथ ही ये कहा है कि इनके राज्य में जो है अपराधियों का दुस्साहस चरम पर है, लेकिन नीतीश कुमार बस खोखले दावे करते हुए दिखाई देते हैं, इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं। बिहार में लगातार आपराधिक हत्याएं जैसी बड़ी वारदात को प्रदेश में लगातार आपराधिक हत्या जैसी बड़ी वारदातों को प्रदेश में अंजाम दिया जा रहा है। कभी पत्रकार, कभी रिटायर्ड शिक्षक तो कभी पुलिस की हत्याएं हो रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी सरकार हमलावर है। वहीं सीएम नीतीश कुमार यह कहते नहीं थकते कि अपराध कहां हो रहा है। सोमवार को बयान जारी करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध का कारण बताया है। यह भी कहा है कि सरकार के प्रवक्ता दुनिया भर के मनमाने आंकड़े पेश कर थेथरलॉजी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के आरजेडी से हाथ मिलाने के कारण ही राज्य में अपराधियों और माफिया तत्वों का दुस्साहस चरम पर है। यह सरकार गवाहों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि जो सरकार शराब बालू माफिया की पॉलिटिकल फंडिंग से चल रही हो, वह उन पर कार्रवाई भी कैसे कर सकते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले 3 दिनों के भीतर राज्य में रानीगंज के पत्रकार विमल यादव और साथ ही बेगूसराय के रिटायर्ड टीचर जवाहर चौधरी सहित आधा दर्जन गवाहों की हत्याएं हो जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में जमीन के विवाद में गवाही देने जा रहे आदिवासियों के वाहन को टक्कर मार दी गई, जिससे 4 लोगों की मौके वारदात पर ही जान चली गई। गया में बालू माफिया के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे कि एसएचओ सहित 4 जवान जख्मी हो गए। महागठबंधन सरकार पर हमला करते हुए आगे सुशील मोदी कहते हैं कि तुष्टीकरण वाली सरकार में पशु तस्कर का मन इतना बढ़ गया है कि इन लोगों ने समस्तीपुर में दरोगा की गोली मारकर जान ले ली। पूर्वी चंपारण में ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। बिहार की कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता दुनिया भर के मनमाने आंकड़े पेश कर थेथरलॉजी कर रहे हैं। यानी कि आपने जिस तरीके से सुना है कि सुशील मोदी ने एक ही मुद्दे पर नहीं कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरा है और साथ ही बिहार को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से वारदात बढ़ते जा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में वारदातें हो रही है, उस पर नीतीश कुमार का कहीं कोई अंकुश नहीं है। साथ ही शासन प्रशासन भी पूरे तरीके से मौन है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। यहाँ पर चार्ट डेटा सब दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो है अपराध पर अंकुश है, लगाम लगाई जा रही है, लेकिन ये महज हवाओं की बातें हैं। ये बातें हवा में है क्योंकि इसकी कोई भी जमीनी हकीकत जो है दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अपने खोखले दावे से कभी बाज नहीं आते। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।